हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, सोया कीमा की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए, सोया कीमा बनाने के लिए मैं यहाँ 150 के करीब मैंने सोयाबीन ले लिया है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी ताकि जितने भी सोयाबीन है अच्छी तरह पानी में डूब जाए। अब हम इसे गैस पर रख कर गैस को ऑन कर देंगे और थोड़ी देर तक हम इसमें बॉयल आने देंगे पानी को। बहुत ज़्यादा हमें इसे बॉयल नहीं करना है, बस थोड़ा सा जैसे ही बॉयल आएगा हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, पानी में बॉयल आ गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद इसमें जितने भी पानी है मैंने इसे अच्छी तरह निचोड़ लिया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। अब मैं इसे एक ग्राइंडर में डालूँगी और इसका ग्रेन्यूल्स बना लूँगी। बिल्कुल बारीक बना लेना है हमें और इसमें पानी बिल्कुल हमें नहीं डालना है, बिल्कुल सूखा हमें इसे रखना है। इसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया आपको बता दूँ मैं। यहाँ पे मैंने ग्रेन्यूल्स लिए हैं जो मैंने अभी बनाए हैं सोयाबीन से, और मैंने लिया है 2 बड़े प्याज को बारीक काट के, ये देखिए, 1 बड़ा टमाटर का प्यूरी लिया है मैंने, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है ये, 1.5 बड़े चम्मच फेटी हुई दही है, फ्रोज़न मटर है जिसे मैंने पानी में डाल के रखा है, ये है ग्रीन चिली कटी हुई और इस तरह से लंबा कटा हुआ अदरक। इन दोनों को मैं लास्ट में तड़का लगाऊंगी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और 1 तेज़पत्ता, ये देखिए। इन दोनों को थोड़ी देर तक हम अच्छी तरह भूनने देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। सारे प्याज को हम इसमें डाल देते हैं और बिल्कुल सुनहरा होने तक हम इसे भून लेंगे। तो चलिए अच्छी तरह हम प्याज को पहले भून लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह हमें इसे भूनना है। आंच को हम मीडियम लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे हम। जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है, अब इसमें हम अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसके बाद हमें इसे थोड़ी देर तक पकाना है। ये देखिए, थोड़ी देर तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी भी डाल दे रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। इसे भी हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में मैंने क्या क्या लिया है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच है ये। इसी चम्मच से मैं डालूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, देखिए, और मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच रेड मिर्च पाउडर, और मैं डाल दूंगी इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, ये देखिए। इसमें मैं इस टाइम पे डालूंगी चिकन मसाला। चिकन मसाला से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सोया कीमा में। वेज फ्रेंड बिल्कुल भी ना घबराएं, चिकन मसाले में कोई भी चिकन नहीं होता है। ये सिर्फ एक फ्रेग्रेंस के लिए दिया जाता है जो आप चिकन में बनाते समय यूज करते हैं, ये देखिए। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए, और थोड़ी देर तक हम इसे तेल छोड़ने तक भून लेते हैं। देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा भून गया है ना, कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए मैं इसमें डालती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिएगा। हमें इसमें ग्रेवी नहीं रखना है इसलिए नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे।
अब हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं, हल्का सा टेम्परेचर डाउन हो जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे फेटी हुई दही जो मैंने निकाल के रखी थी ना, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दही डालने के बाद हम फिर से आंच को मीडियम हाई पर रख लेंगे, उसके बाद हम इसे अब थोड़ी देर तक पकने देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर तक अब हम इसे पकने दे रहे हैं। इसके बाद जो मैंने मटर को पानी में डाल के रखा था वो मैं पानी के साथ ही इसमें डाल दूंगी, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा पानी भी डालना है, तो मैं मटर के साथ ही डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए ये फ्रोजन मटर है, इसलिए हमें इसे पहले नहीं डाला ताकि ये इसे पकने में टाइम नहीं लगता है, तो मैं अभी इसे डाल दे रही हूँ। अब मटर डाल के इसे हम मिक्स कर लेते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ग्रेवी बन गया है। अब हम इस टाइम पे जो हमारा सोया का ग्रेन्यूल्स है या जो मैंने बना के रखा था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसे डालने के बाद हमें सारे मसालों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। चलिए फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारे ग्रेन्यूल्स को हमें अच्छे तरह से मिक्स करना है इसमें, ये देखिए, ताकि मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाएं। और इसे अब हम अच्छी तरह से ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। तो चलिए अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक छोड़ देते हैं और अच्छी तरह से हम इसे पकने देते हैं। देखिए हमारा जो ग्रेन्यूल्स है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है, हमारा कीमा बन गया है, बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, ट्रस्ट मी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बना के अपने फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा। अब हम इसे बंद करेंगे, इससे पहले मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। तो चलिए अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला डाल दिया है। इसे डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। इसे डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर गैस पर नहीं रखना है इसे, तो इसे डाल के बस हमें मिक्स करना है और इसके बाद में मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब हम चलेंगे इस पर तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने पहले आपको दिखाया था कि मैंने ग्रीन चिली और जिंजर को इस तरह से काट लिया है और कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें मैंने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 लौंग, इनको मैं अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। इनका हमें पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा बस क्रश कर लेना। गैस पे मैंने एक छोटा सा पैन रखा है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब मैं इसमें जो मैंने क्रश करके गरम मसाला रखा था वो डाल दे रही हूँ, साथ में ही जिंजर और ग्रीन चिली भी डाल दूँगी। थोड़ी देर तक हमें इसे पका लेना है, आंच को बिल्कुल धीमी आंच पे रखें, नहीं तो ये सारे जल जाएंगे। देखिए बिल्कुल हो गया है। अब इस टाइम पर मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और बस इसे अब हम मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छा वाला तड़का हम उस पर लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। एक बार आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। आप एक बार बनाइएगा तो आप बार बार बना के खाने का मन करेगा इसे आपको। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है ये खाने में, बिल्कुल टेस्टी लगेगी। आप अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर बना के खिलाएं इसे। इसे आप चाहें तो पाव के साथ खा सकती हैं या फिर गरम गरम फुलके के साथ भी खा सकती हैं। ये किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देर किस बात की, आप बनाइए इसे अपने फैमिली मेम्बर के लिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।